बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 18 सॉल्व करने लगे कि शो दैट फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ओवर सी, ओवर सी मीन इसकी सारी एंट्रीज़ ए और बी की एंट्रीज़ कम्प्लेक्स नंबर से ली गई हैं एंड के बिलोंग टू सी, कि ये जो कांस्टेंट है ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि डबल कॉन्जुगेट इक्वल ए कॉन्स्टेंट इंटू ए होल कॉन्जुगेट इक्वल कॉन्स्टेंट कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट इक्वल ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, प्रोडक्ट में भी ऐसा ही हो कि ए बी होल कॉन्जुगेट इक्वल ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, और फिर ये कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज आपस में चेंज किए जा सके। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं कि हमें बात करनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का दो बार कॉन्जुगेट। तो हम सबसे पहले जो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं कि लेट ए इक्वल कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, तो हम उसे कह देते हैं जी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ओके, तो ए कॉन्जुगेट क्या होगा? ए कॉन्जुगेट ये होगा कि इसकी तमाम एंट्रीज का कॉन्जुगेट लिया जाएगा, यानी जी आई जे कॉन्जुगेट, ऑर्डर उसका वही रहेगा एम क्रॉस एन। ओके, डबल कॉन्जुगेट है, अगेन कॉन्जुगेट लेंगे ए कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल टू, अब उसकी एंट्रीज का भी कॉन्जुगेट ले लिया जाएगा जी आई जे कॉन्जुगेट, तो पहले ही था एक कॉन्जुगेट और ले लिया और ऑर्डर वही रहा एम क्रॉस एन। तो यहाँ से हमें मिला कि ए डबल कॉन्जुगेट इक्वल ओनली जी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है कम्प्लेक्स नंबर्स की, कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट वो खुद होता है। तो चूंकि इसकी तमाम एंट्रीज कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उनका जब डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो एट द एंड वो खुद आ जाएंगे, यानी ए डबल कॉन्जुगेट इक्वल होगा ए के। तो पहला पार्ट तो यहाँ इस तरह से मुकम्मल हुआ। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि के ए होल कॉन्जुगेट इक्वल के कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट। तो के को ए कॉन्जुगेट से पहले, सॉरी, के को ए से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। अब के को ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है के और मैट्रिक्स ए जी आई जे, ऑर्डर अगर हम यहाँ ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एट द एंड ऑर्डर सेम ही रहेगा। अच्छा, अब के किसी भी स्केलर को जब पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट मीन उसे उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये लिखा जाएगा के जी आई जे। ओके, अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं के ए होल कॉन्जुगेट मीन कॉन्जुगेट ऑफ ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज के जी आई जे एंड होल कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि जी वन जी टू होल कॉन्जुगेट इक्वल जी वन कॉन्जुगेट जी टू कॉन्जुगेट। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स की एंट्रीज जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर हैं, के भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, जी आई जे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इनको सेपरेट लिख सकते हैं। कैसे? कि के कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट ऑफ जी आई जे। अब पूरे मैट्रिक्स में से इस नंबर को कॉमन भी लिया जा सकता है क्योंकि ये हर एंट्री के साथ है, तो हम लिखेंगे के कॉन्जुगेट एंड द मैट्रिक्स हैविंग एंट्री जी आई जे कॉन्जुगेट। तो ये देख सकते हैं कि ये इक्वल है के कॉन्जुगेट और इनसाइड जो पूरा मैट्रिक्स है वो है ए कॉन्जुगेट। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि के ए होल कॉन्जुगेट इक्वल के कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट इक्वल ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। तो ए जहां हमने ले रखा था जी आई जे एम क्रॉस एन, वहीं पे हम मैट्रिक्स बी भी ले लेते हैं जिसकी एंट्रीज भी कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उन्हें हम लिख देते हैं डब्ल्यू आई जे और इसका ऑर्डर भी वही एम क्रॉस एन, तभी ये दोनों ऐड हो सकेंगे। ओके, तो ए प्लस बी पहले फाइंड करते हैं। ए प्लस बी में क्या होगा कि ए की एंट्रीज जी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन है प्लस बी डब्ल्यू आई जे, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है
ऐड करने से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसकी एंट्रीज होंगी जी आई जे प्लस डब्ल्यू आई जे। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट, तो ये इक्वल होगा कॉन्जुगेट ऑफ इट्स एंट्रीज मीन जी आई जे प्लस डब्ल्यू आई जे होल कॉन्जुगेट। अब कम्प्लेक्स नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जी वन प्लस जी टू होल कॉन्जुगेट इक्वल जी वन कॉन्जुगेट प्लस जी टू कॉन्जुगेट, तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करने लगे। हम लिख सकते हैं जी आई जे कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू आई जे कॉन्जुगेट, और फिर हम इसको अलग अलग मैट्रिसेस को भी लिख सकते हैं जी आई जे कॉन्जुगेट प्लस मैट्रिक्स विद एंट्रीज डब्ल्यू आई जे कॉन्जुगेट। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पहला मैट्रिक्स है ये इक्वल है ए कॉन्जुगेट और दूसरा मैट्रिक्स है बी कॉन्जुगेट। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ कि ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट इक्वल ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। तो पार्ट नंबर फोर जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ए बी होल कॉन्जुगेट इक्वल ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड अपनाते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल उस सूरत में होते हैं जब उन दोनों की एंट्रीज सेम हों, रिस्पेक्टिव एंट्रीज। मीन हम ये कह सकते हैं कि इफ़ आई जेथ एंट्री ऑफ टू मैट्रिसेस इज सेम देन बोथ मैट्रिसेस विल बी सेम। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ए बी मैट्रिक्स किस तरह का है और ए बी का आई जेथ एलिमेंट किस तरह का होगा। ओके, पार्ट नंबर फोर है, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी होल कॉन्जुगेट, चल ऐसे ही लिख लेते, तो ये इक्वल है कॉन्जुगेट ऑफ देखें जब भी किसी भी आई जेथ एलिमेंट का यानी ए बी पूरे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट है तो इट मीन उसके तमाम एंट्रीज का भी कॉन्जुगेट है, यानी इस कॉन्जुगेट वाले मैट्रिक्स का जो आई जेथ एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स ए बी की आई जेथ एंट्री का कॉन्जुगेट होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी। ओके, तो अब आते हैं कि व्हाट इज आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी। तो पहले इसको फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू आईथ रो ऑफ ए मल्टीप्लाई विद जेथ कॉलम ऑफ बी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का प्रोसीजर यही होता है। अब आईथ रो ऑफ ए जो है वो कुछ यूं है ए आई वन, सॉरी उसके एंट्री जी थी, तो जी आई वन जी आई टू जी आई थ्री एंड अप टू सो ऑन जी आई एन, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे जेथ कॉलम ऑफ बी से, तो बी का जो जेथ कॉलम है वो होगा डब्ल्यू वन जे डब्ल्यू टू जे डब्ल्यू थ्री जे एंड अप टू सो ऑन डब्ल्यू एन जे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा जी आई वन डब्ल्यू वन जे प्लस जी आई टू डब्ल्यू टू जे प्लस जी आई थ्री डब्ल्यू थ्री जे प्लस अप टू सो ऑन प्लस जी आई एन डब्ल्यू एन जे। तो ये हमें मिला आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी, जबकि हमें तो चाहिए आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी होल कॉन्जुगेट। ओके, तो हम लिखेंगे आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी होल कॉन्जुगेट, तो वो इस पूरे एलिमेंट का कॉन्जुगेट है, मीन कॉन्जुगेट ऑफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी, तो इस सारे का कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो हम लिखेंगे जी आई वन डब्ल्यू वन जे प्लस जी आई टू डब्ल्यू टू जे प्लस जी आई थ्री डब्ल्यू थ्री जे प्लस अप टू सो ऑन
प्लस जी आई एन डब्ल्यू एन जे और इस सारे का कॉन्जुगेट। ओके, अब पहले हम ये प्रॉपर्टीज लिख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इनके जो सम का कॉन्जुगेट है वो कॉन्जुगेट ऑफ सम है, तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। जी आई वन डब्ल्यू वन जे कॉन्जुगेट प्लस जी आई टू डब्ल्यू टू जे कॉन्जुगेट प्लस जी आई थ्री डब्ल्यू थ्री जे कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन एंडिंग टर्म जी आई एन डब्ल्यू एन जे होल कॉन्जुगेट। अब प्रोडक्ट में दो कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट हो, उनका कॉन्जुगेट हो, तो अलग अलग कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे जी आई वन कॉन्जुगेट डब्ल्यू वन जे कॉन्जुगेट प्लस जी आई टू डब्ल्यू टू जे, इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट प्लस जी आई थ्री कॉन्जुगेट डब्ल्यू थ्री जे कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन प्लस जी एन का आई एन कॉन्जुगेट और डब्ल्यू एन जे कॉन्जुगेट। तो ये तो था आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी होल कॉन्जुगेट। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड का भी आई जेथ एलिमेंट फाइंड कर लें, मीन आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट फाइंड करें, और अगर ये दोनों सेम हो तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों मैट्रिसेस भी सेम हैं। तो अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ये हम कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो व्हाट इज आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट? तो वो होगा आईथ रो ऑफ ए कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई विद जेथ कॉलम ऑफ बी कॉन्जुगेट। अच्छा, ए कॉन्जुगेट मीन पूरा मैट्रिक्स ए की रो ही होगी लेकिन उसकी तमाम एंट्रीज का कॉन्जुगेट होगा, तो वो इक्वल होगा जी आई वन कॉन्जुगेट जी आई टू कॉन्जुगेट, चूंकि कॉन्जुगेट के साथ है, जी आई थ्री कॉन्जुगेट एंड अप टू सो ऑन जी आई एन कॉन्जुगेट, और जेथ कॉलम ऑफ बी कॉन्जुगेट यानी उन तमाम एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट भी होगा, डब्ल्यू वन जे कॉन्जुगेट डब्ल्यू टू जे कॉन्जुगेट डब्ल्यू थ्री जे कॉन्जुगेट एंड अप टू सो ऑन डब्ल्यू एन जे कॉन्जुगेट। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी आई वन कॉन्जुगेट डब्ल्यू वन जे कॉन्जुगेट प्लस जी आई टू कॉन्जुगेट डब्ल्यू टू जे कॉन्जुगेट प्लस जी आई थ्री कॉन्जुगेट डब्ल्यू थ्री जे कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन जी आई एन कॉन्जुगेट डब्ल्यू एन जे कॉन्जुगेट। तो हम ये देख सकते हैं कि आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट उसका जो आंसर था वही आंसर आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट का है। सो हम ये कह सकते हैं कि ए बी होल कॉन्जुगेट इक्वल है ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, क्योंकि इक्वालिटी के लिए एलिमेंट सेम होना ज़रूरी है, यानी दोनों साइडों के रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम हो, तो हर आई और हर जे के लिए इन दोनों के एलिमेंट सेम हैं। ओके, तो लास्ट पार्ट है जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि फिफ्थ है कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ओके, तो इसके लिए उसी तरह हम पहले मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट लिखते हैं। मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट मीन उसकी तमाम एंट्रीज का कॉन्जुगेट जी आई जे कॉन्जुगेट ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन ही है। ओके, अगर हम इसे थोड़ा और एक्सपेंड करके लिख लें, ए कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल टू, मुकम्मल एंट्रीज लिखने लगे, जी वन वन कॉन्जुगेट जी वन टू कॉन्जुगेट जी वन थ्री कॉन्जुगेट एंड अप टू सो ऑन जी वन एन कॉन्जुगेट। इसी तरह सेकंड रो लिखेंगे जी टू वन कॉन्जुगेट जी टू टू कॉन्जुगेट जी टू थ्री कॉन्जुगेट एंड अप टू सो ऑन जी टू एन कॉन्जुगेट, और इस तरह नीचे सारी रोज लिखते हुए आखिरी रो पे जाएंगे तो ये होगा जी एम वन कॉन्जुगेट जी एम टू कॉन्जुगेट जी एम थ्री कॉन्जुगेट एंड अप टू सो ऑन जी एम एन कॉन्जुगेट। तो ये तो है मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट।
इसका ट्रांसपोज लेते हैं पहले। सो ए कंजुगेट ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेने से क्या होगा कि उसकी जो रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी और कॉलम रोज़ बन जाएंगे। ये जो फर्स्ट कॉल रो है इसको हम अगर फर्स्ट कॉलम लिखें तो लिखेंगे Z11 कंजुगेट, Z12 कंजुगेट, Z13 कंजुगेट एंड अप टू सो ऑन Z1n कंजुगेट। ओके, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाने लगे हैं वो बन जाएगा Z21 कंजुगेट, Z22 कंजुगेट, Z23 कंजुगेट एंड अप टू सो ऑन Z2n कंजुगेट। एंड सिमिलरली तमाम कॉलम्स को आखिरी कॉलम यहाँ लिखेंगे तो वो होगा Z M1 कंजुगेट, Z M2 कंजुगेट, Z M3 कंजुगेट एंड सिमिलरली लास्ट वन Z MN कंजुगेट। तो ये पूरा मैट्रिक्स लिखा गया, लेकिन अब इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है n क्रॉस m, क्योंकि मैट्रिक्स A का ऑर्डर, A कंजुगेट का ऑर्डर m क्रॉस n था, तो उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो n क्रॉस m होगा। ओके, तो ये इसकी तमाम एंट्रीज का कंजुगेट है। चलें राइट साइड हम अलग से कर लेते हैं, ये थी लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड पे हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज लिखते हैं। ए ट्रांसपोज मीन पूरे मैट्रिक्स ए को उसकी रोज को कॉलम बना दिया जाए, यानी पहली रो को पहला कॉलम लिखेंगे Z11, Z12, Z13 एंड अप टू सो ऑन Z1n, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखेंगे Z21, Z22, Z23 एंड अप टू सो ऑन Z2n, इसी तरह थर्ड एंड सो ऑन, आखिरी वाला आखिरी रो को आखिरी कॉलम बनाएंगे तो Z M1, Z M2, Z M3 एंड अप टू सो ऑन Z MN। तो एक बात तो यहाँ से ये पता चली कि इसका ऑर्डर भी उतना ही है n क्रॉस m। अब इसका कंजुगेट लेते हैं, A ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी उसकी हर एंट्री का कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट लेने से ये बन जाएगा Z11 कंजुगेट, Z12 कंजुगेट, Z13 कंजुगेट एंड अप टू सो ऑन Z1n कंजुगेट। सेकंड लिखते हैं Z21 कंजुगेट, Z22 कंजुगेट, Z23 कंजुगेट एंड अप टू सो ऑन Z2n कंजुगेट और लास्ट लिखेंगे Z M1 कंजुगेट, Z M2 कंजुगेट, Z M3 कंजुगेट एंड सो ऑन Z MN कंजुगेट। तो इसका ऑर्डर भी n क्रॉस m ही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि A कंजुगेट ट्रांसपोज का जो आंसर है वही आंसर है A ट्रांसपोज कंजुगेट का। तो हेंस A कंजुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होल कंजुगेट। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 18 मुकम्मल हुआ।